बस से उतरते वक्त दो सगे भाइयों को ट्रैक्टर ने रौंदा। एक की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला फराय थाना क्षेत्र का है, जहां 45 वर्षीय राजेंद्र व 50 वर्षीय चंद्रपाल पुत्र भूरा शहजादपुर चंद इंद्रावली थाना बलदेव निवासी, जो कि आगरा से अपने किसी रिश्तेदार को देखकर वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही वह फरह में बस से नीचे उतरे, तभी दोनों भाइयों को सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 50 वर्षीय चंद्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं छोटे भाई राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा आनंद फानंद में चंद्रपाल को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो वहीं राजेंद्र के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में पोस्टमार्टम पर मौजूद परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया, घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और घटना की जांच में जुट गई है। उनका नाम है राजेंद्र सिंह, सनो भूरा निवासी इनावली, आगरा अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए गए थे। आगरा से करीबन 6 बजे बस द्वारा वहाँ से चले और शहजादपुर में आकर के 7 बजे करीबन वहाँ पर बस रिलायंस पेट्रोल पंप के पास उतरे। उसमें रोंग साइड से एक पावर ट्रैक ट्रैक्टर ने उनको एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट होते ही मतलब जो है राजेंद्र सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई और चंद्रपाल को मतलब जो है सूरज जयंती हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसका जो फास्ट एड लेकर के रात को 12 बजे छुट्टी कर दी। अभी राजेंद्र का सब पोस्टमार्टम पर है, पोस्टमार्टम गृह में रखा हुआ है और FIR कर दी है पावर ट्रैक ट्रैक्टर के नाम और ट्रैक्टर जो है एजेंसी पकड़ा हुआ है। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है और उसका अभी पता भी नहीं हुआ है। अज्ञात के नाम बुक की है, अज्ञात ड्राइवर के नाम पर FIR की है, पर वो तो विवेचना का विषय है। अपना जो दरोगा विवेचना करके उसका नाम पता सब निकालेगा। एजेंसी से भी बात हो चुकी है, वो ट्रैक्टर फरीदाबाद से धौलपुर जा रहा था।